ये बात तो आप पर हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार मिली और अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज का दौरा करेगी, जिसमें टीम इंडिया WTC के नए सर्कल में शामिल होने जा रही है और जो पहला ही सीरीज होगा वो वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों का होगा। तो कुल मिलाकर अब इसमें टीम इंडिया की स्क्वाड की तस्वीर साफ हो चुकी है, स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है और किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा को आराम दिया जाएगा, बड़े खिलाड़ियों को आराम मिलेगा तो नए टेस्ट टीम आपको दिखेगी, क्योंकि WTC के फाइनल में कुछ खिलाड़ियों ने खराब फॉर्म दिखाई, खराब खेल दिखाया, गाज उन पर गिर रही है, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, पूरी तरह से नई स्क्वाड आ रही है। चलिए आइए आपको बताते हैं इस टेस्ट मुकाबले के लिए भारत की स्क्वाड क्या रहेगी, कैसे तस्वीर बदल चुकी है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं, अब टेस्ट का नया कप्तान किसे बनाना चाहिए या रोहित को ही कंटिन्यू करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित को आराम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी क्या है टीम इंडिया के स्क्वाड आपको बताते हैं। तो जी हां, टीम इंडिया अब वेस्टइंडीज का दौरा करने वाली है जहां पर 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे। WTC के नए सर्कल में ये टीम इंडिया का हिस्सा रहेगी, तो बड़ी सीरीज होगी टीम इंडिया के लिए, इसलिए आप बड़े खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। अब कई खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को आराम दिया जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये T20 नहीं खेलते हैं, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले खेलने के बाद 15-20 दिन T20 मुकाबले खेले जाएंगे और तब तक रोहित और विराट और बाकी तमाम खिलाड़ियों को आराम और मिल जाएगा, तो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होंगे, बड़ी अपडेट आ रही है। तो इन दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। अब चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कौन सी टीम रहेगी टीम इंडिया की टेस्ट के लिए और क्या बड़े बदलाव होंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आएगा। जी हां, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे WTC फाइनल में हार के बाद, लेकिन लगभग ये तस्वीर साफ है कि रोहित शर्मा की कप्तानी आराम दिए जाने पर ही छीनी जाएगी और जो कि आराम दिया नहीं जा रहा है। तो उस लिहाज से कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ एज अ ओपनर बल्लेबाज और आप एज अ कैप्टन देखेंगे, तो दोनों तरफ से टीम इंडिया रोहित शर्मा के साथ जाएगी। रोहित शर्मा एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ओपनिंग पेयर में आकर बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा। जी हां, नाम बहुत बड़ा है कप्तानी के तौर पर इन्हें, अब जो WTC फाइनल हार मिली है, नए सर्कल की शुरुआत दोनों मुकाबले जीत कर करनी होगी ताकि एक बार फिर WTC के फाइनल में आप जगह बनाएं और जिसकी शुरुआत अच्छी चाहिए। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आता है। जी, शुभमन गिल को भी मौका मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुभमन गिल जो तीनों ही फॉर्मेट में फिलहाल काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि टेस्ट आंकड़े आप इनके देखेंगे तो आप उस तरह की संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि टेस्ट में इन्होंने लंबी पारियां नहीं खेली है। इनका एवरेज भी T20 और वनडे में इतना अच्छा है जबकि टेस्ट में बहुत खराब दिखाई देता है। शुभमन गिल जो बचे हुए मौके हैं अगर आपने नहीं बुनाए तो आपकी जगह कोई और भी ले सकता है, इसीलिए शुभमन गिल को जो वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट में टीम इंडिया की स्क्वाड में तो जगह मिलेगी लेकिन मौकों को भुनाना होगा। इनके साथ में नाम यशस्वी जायसवाल का भी आएगा। जी हां, टेस्ट स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल की एंट्री हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट में बहुत ही अच्छी एवरेज से रन बना रहे थे, IPL 2023 में भी कमाल की बल्लेबाजी करी और जिसके बदौलत ही टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में भी इनको WTC में भी शामिल किया गया था एज अ स्टैंड बाय खिलाड़ी, लेकिन अब इनकी स्क्वाड में एंट्री होगी और आप एज अ बैकअप ओपनर के तौर पर खेल सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट मुकाबले बहुत बड़े मुकाबले हैं। और इनके साथ में नाम ईशान किशन का भी आएगा। ईशान किशन भी वो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया की जगह अपनी पक्की कर रहे हैं। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, बेसबॉल क्रिकेट का हिस्सा रहेंगे क्योंकि ये आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। टेस्ट में इन्हें अपने आप को पुख्ता सबूत के साथ में पेश करना होगा। ईशान किशन एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, बतौर मौके जो मिल रहे हैं उसे भुनाएं। अब जब तक ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है आप ईशान किशन के साथ में ही जाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इनके साथ में नाम विराट कोहली का आएगा। विराट कोहली भी रन मशीन है, बड़ी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं, ये नाम से विराट हैं, ये काम से विराट हैं। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ इन 2 टेस्ट मुकाबलों में अपनी टेस्ट की जो खोई हुई फॉर्म है उसे हासिल करना चाहेंगे, शतक लगाना चाहेंगे, अपने शतकों का जो आगे का दौर है वो फिर से जारी रखना चाहेंगे। विराट कोहली जी हां, मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने की काबिलियत जानते हैं और उस लिहाज से कि विराट कोहली का नाम इस स्क्वाड में दिया जाएगा। इनके साथ में नाम सरफराज खान का भी आएगा। सरफराज खान वो खिलाड़ी है जो अब टीम इंडिया के लिए तीसरे पायदान के
प्रबल दावेदार बन चुके हैं। सरफराज खान वो खिलाड़ी है जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छी मेहनत करी है और अच्छी बैटिंग भी करी है और जिसकी बदौलत ही अब इसे टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। सरफराज खान वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के स्क्वाड में एक नए सिरे से शुरुआत करने जाएंगे, इसलिए इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने मिले हुए मौके को भुनाने की दारमदारी भी रहने वाली है। इनके साथ में नाम अजिंक्य रहाणे का आता है। अजिंक्य रहाणे भी बहुत ही कमाल का खेल पिछले WTC के फाइनल में दिखाया और जिसके बाद इनकी जगह अब टीम इंडिया के स्क्वाड में पक्की हो चुकी है। अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी है जो बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, अच्छे फील्डर है, स्लिप में अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। अजिंक्य रहाणे जरूरत पड़ने पर अच्छी पारी खेलते हैं और जब श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं तो इनकी और भूमिका बढ़ जाती है, इसीलिए कह सकते हैं आपकी जो अजिंक्य रहाणे है वो आपको अच्छे से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और बहुत बड़े जो आपको प्लेटफॉर्म को बनाते हुए नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे की बाद में बात करेंगे तो फिर नाम जो है वो रविंद्र जडेजा का आएगा। एज ऑलराउंडर बहुत बड़े खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, एक टप्पा पकड़कर गेंद को करने की काबिलियत जो इनके पास में वो किसी और के पास में नहीं है। रविंद्र जडेजा वो काबिलियत रखते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है, ये आपको छठवें पायदान पर बल्लेबाजी अच्छी तरीके से करके दे सकते हैं, बड़ी पारियां खेल सकते हैं, बड़े मौके को भुनाना ये खिलाड़ी अच्छे से जानता है और उस लिहाज से कि रविंद्र जडेजा फील्डिंग में जो एफर्ट देते हैं वो टीम इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। ये सही मायनों में टीम इंडिया के लिए 3D प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं और उस लिहाज से कि भी ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में आगे आ रहे हैं। इनके साथ में नाम जो दिया जाएगा वो मिलेगा आपको रविचंद्र अश्विन का। अश्विन वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका निभाएंगे। अश्विन हालांकि WTC के फाइनल की प्लेइंग 11 में नहीं थे लेकिन अश्विन के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अश्विन को जी हां स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण, जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के ये टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज हैं तो ऐसे खिलाड़ी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑलराउंडर में इनके साथ में नाम अक्षर पटेल का भी आ जाएगा। अक्षर पटेल भी बहुत ही कमाल के खिलाड़ी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अक्षर पटेल वाकई में पिछले कुछ समय से अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, टीम इंडिया की बैटिंग में डेप्थ देते हैं, स्पिन गेंदबाजी में जी हां एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ये भी है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी ये भी करते हैं। बड़े हुए बचे हुए जो मौके हैं इनको भुनाना चाहेंगे, जब तक इन्हें टेस्ट में मौके मिले इन्होंने उन्हें दोनों हाथों से लपका है, इसलिए अक्षर पटेल टीम इंडिया के स्क्वाड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। अब इसके साथ में अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो आपके पास अश्विन है, अक्षर पटेल है, जडेजा है तो किसी और खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो सबसे पहला नाम शार्दुल ठाकुर का आता है। शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी है जो तेज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास में है, विकेट टेकिंग लक आप कह सकते हैं इनके पास में है। अच्छे ये खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटिंग खेल सकते हैं, ये बैटिंग से भी अच्छे शॉट्स लगाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जो टेस्ट खेले हैं उनमें अपनी काबिलियत के अनुरूप प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं लेकिन एक बार फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में इन्हें मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी कमाल की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी आप इन्हें करवा सकते हैं। इनके साथ में नाम मुकेश कुमार का भी आएगा। मुकेश कुमार एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है, टेस्ट में इनका आक्रामक रवैया रहता है और इसी वजह से इन्हें भारत के WTC फाइनल के स्क्वाड में स्टैंड बाय का भी हिस्सा बनाया गया है और इनसे अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी उम्मीद है। इनके साथ में नाम जो आता है वो मोहम्मद शमी का आता है। मोहम्मद शमी भी पिछले कुछ समय से भारत के लिए लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी T20 नहीं खेलते हैं इसलिए टेस्ट में ये खेलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि आप जब आयरलैंड के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 खेलेंगे 15-20 दिन तक फिर इन्हें और आराम मिलेगा, अभी ये एक महीना और आराम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी कि मोहम्मद शमी आपको टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये WTC सर्कल का हिस्सा है टेस्ट सीरीज। और इनके साथ में मोहम्मद सिराज का भी नाम आएगा, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी, अग्रेसिव खिलाड़ी, भारत के युवा खिलाड़ी, टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज हैं और आपको ये 4 तेज गेंदबाज नजर आएंगे। और इनके साथ में अगर आप एक और गेंदबाज देखते हैं तो वो जयदेव उनादकट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 तेज गेंदबाजों के साथ में ही जाना चाहेंगे तो फिर वो आपके नाम रहेंगे। यह है हमारी नजर में टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड फॉर द वेस्ट इंडीज, कुछ इस तरह से रहेगी, प्रोबेबल स्क्वाड है ये, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं इस स्क्वाड में क्या बदलाव होने चाहिए, किनको मौका मिलना चाहिए किनको नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।